नमस्कार दर्शक मित्रों, दमन न्यूज में आपका स्वागत है। समाचारों की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालें आज के मुख्य समाचारों में। वापी में भैंसों से भरी हुई ट्रक की टक्कर से एक बुजुर्ग की गई जान। वलसाड जिले के गांव में चल रहे नकली नोट के रैकेट का पुलिस ने किया पर्दाफाश। वलसाड डुंगरी में गौ रक्षक के मौत के मामले में पुलिस ने गौ तस्करों की गैंग का किया पर्दाफाश। अब समाचार विस्तार से। वापी चला में रहते और निजी चार्टर्ड अकाउंट का काम करते 54 वर्षीय बुजुर्ग की वापी हाईवे पर भैंसों से भरी हुई ट्रक की टक्कर से हुई मौत, ट्रक चालक हुआ फरार। वापी के चला में मिथुन पार को ऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के फ्लैट नंबर C204 में रहते और निजी सीए का काम करते रामचंद्र लक्ष्मी नारायण शर्मा उम्र वर्ष 54 रविवार को काम के लिए भिलाड़ गए थे, जहां से दोपहर के समय अपनी बाइक नंबर GJ15BM5737 लेकर वापिस वापी की ओर आने के लिए निकले थे। उस दौरान वापी हाईवे पर मुंबई से सूरत की ओर जा रही ट्रक नंबर GJ09AU3559 के चालक ने बाइक को पीछे से टक्कर मारते रामचंद्र पिछले पहिए में आ गए थे, जिन्हें शेर के बल गंभीर चोटें आते रामचंद्र की घटनास्थल पर मौत हुई थी। ट्रक चालक गाड़ी छोड़कर वहां से फरार हो गया था। ट्रक में से 6 भैंस मिलाई थी। पुलिस ने ट्रक को कब्जे में लेकर शव को PM के लिए भेजकर आगे की जांच शुरू की है। साथ ही ट्रक में भरी हुई भैंस कानूनी तरीके से ले जा रहे थे या नहीं, वो भी जांच शुरू की गई है। वलसाड जिला पुलिस ने जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में चल रहे नकली नोट के रैकेट का किया पर्दाफाश, 4 और आरोपियों को किया गिरफ्तार। वलसाड SOG और ACB ने 5 दिन पहले वलसाड जिले के धर्मपुर से 500 के मूल्य की 148 नोटों के साथ 4 को पकड़ा था। ये आरोपी फोटोशॉप से नोटों को स्कैन कर प्रिंट निकाल कर मार्केट में घूमते थे। इस कोम्बार्ड में शामिल मुख्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए जिला SP की सूचना को लेकर SOG की टीम ने महाराष्ट्र के नासिक क्षेत्र से और 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर 500 के मूल्य की 300 नकली नोट को कब्जे में किया है। आरोपी हरिदास उर्फ हरेश मुनिराम चौधरी निवासी मादान चिकार तहसील सुरगाणा जिला नासिक के साथ फतेह उर्फ अजय के पास फोटोशॉप सॉफ्टवेयर में स्कैन कराकर प्रिंट महाराष्ट्र से लेकर आरोपी जय सिंह के जरिए आरोपियों को पहुंचाते थे। हरिदास 500 के मूल्य की 132 नोट के साथ पकड़ा गया है। आरोपी असली नोट के साथ नकली नोट को रख देते थे और धर्मपुर महाराष्ट्र के सीमा क्षेत्र के गांव में सर्कुलेट करते थे। तो इस नकली नोट के रैकेट का पर्दाफाश कर कुल 8 आरोपियों को वलसाड पुलिस ने 5 दिन में ही गिरफ्तार कर लिया है। वलसाड जिला पुलिस अधीक्षक श्री राजदीप सिंह झाला साहब ने सूचना दी। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप द्वारा धर्मपुर पुलिस स्टेशन की हद में बनावटी चलनी नोटो पकड़ी पाड़ी और शुरुआत स्टेजे आरोपी अटक कर आरोपी की धरपकड़ कर रिमांड पर मेलवेला था और तपास दरमियान सदरु नोटो नासिक जिला सरगुणा खाते 4 किस्मों से जे लोग आ नोटो फोटो शॉप में करी और छापकाम करेलू थू और आ बनावटी नोटो ने धर्मपुर खाते आप वटाली थी के अंगे पर्दाफाश थे आ गुना का चार आरोपी ने अटक कर। वलसाड डुंगरी में गौ रक्षक को गौ वंश को बचाने में कुचले जाने की घटना में पुलिस ने गौ तस्करों की गैंग का 24 घंटों में किया पर्दाफाश, 10 आरोपियों को किया गिरफ्तार। वलसाड जिले के धर्मपुर तहसील के बारसोल गांव में से गौ तस्करों ने 10 गायों और एक बैल को टेम्पो में भरकर ले जा रहे होने की जानकारी गौ रक्षकों को मिलते उन्होंने तुरंत पुलिस को जानकारी दी थी। उस दौरान वलसाड के पास अहमदाबाद मुंबई नेशनल हाईवे पर गौ रक्षकों और पुलिस की 4 से ज्यादा टीमों ने टेम्पो का पीछा किया था और टेम्पो को रोकने का प्रयास करते गौ तस्करों ने गौ रक्षक हार्दिक कंसारा पर टेम्पो चलाकर फरार हो गए थे। हार्दिक की मौत
को लेकर गौरक्षकों में रोष फैल गया था। घटना की गंभीरता को लेकर बरसात जिला पुलिस के उच्च अधिकारियों की टीमों को बनाकर तस्करों को पकड़ने हेतु जांच तेज की गई थी और सिर्फ 24 घंटों में पुलिस ने महाराष्ट्र के भिवंडी से 10 आरोपियों को सलाखों के पीछे डाल दिया था। पकड़े गए आरोपियों असगर उर्फे माकिया, जावेद शेख, अली मुलाद, जमील खलील शेख, धर्मेश उर्फे फता आहिर, कमलेश रामा आहिर, जयेश आहिर और हसन पहले भी गौ तस्करी के कई गुनाहों में शामिल हैं। ये गैंग बलसाड़ के धर्मपुर और आसपास के क्षेत्रों के पशु मालिकों के पास से कम दामों में पशुओं की खरीदारी करते थे और पशुओं को एकत्रित कर टेम्पो में क्रूरतापूर्वक भरकर कत्ल के लिए ले जाते थे। तो पुलिस ने गौ तस्करी के ये रैकेट का पर्दाफाश कर 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। 70 तारीख ना रोज वलसाड जिला कंट्रोल रूम ने एक गौरक्षक द्वारा बातमी मळेल कि एक टेम्पो में 11 पशुओं भराय अने कतलखाने लई जनार छे अने आ टेम्पो धरमपुर थी पसार थयो छे। ए घटनाना अनुसंधाने वलसाड जिला पुलिसनी अलग अलग टीमों द्वारा टेम्पोनो पीछो अने नाकाबंदी करवामां आवेल। ए दरमियान गौरक्षक श्री हार्दिकभाई नाओ ओवरटेक करी अने ए टेम्पोने अटकाववा जता टेम्पो चालके अकस्मात करी जेमा हार्दिकभाईनुं दुखद निधन थयेलुं हतुं। आ घटनाना अनुसंधाने गौ तस्करी साथे जोड़ायेल अने आ गुना साथे संकळायेल तमाम गेंगना ईसमोने पकड़ी लेवा माटे वलसाड जिला पुलिस द्वारा अलग अलग 5 टीमों बनावामां आवेली हती। जेमा वलसाड SDPO चावड़ा साहेबना नेतृत्व हेठळ इन्वेस्टिगेशन टीम बनावेली अने PI बारड SOGना नेतृत्व हेठळ फील्डवर्क माटे टीम बनावेली। आ टीम में PSI पनारा, PI भरवाड़, PI राठौड़, PSI राठौड़, PSI भादरका अने PSI बेरिया 9 अलग अलग टीमों लीड करेली अने आ गुना में संडोवायेला तमाम गुनेगारों ने पकड़ी पाड़वा माटे महाराष्ट्रना अलग अलग विस्तारों जेवा के भिवंडी, पुणे, अहमदनगर, धुलिया अने वलसाड जिल्लाना अतुल, बारसोल, वाकल, कांजनहरी आ तमाम जगह पोलिसनी टीमों द्वारा रेड करी अने आ गुना में संडोवायेला 10 ईसमोनी धरपकड़ करवामां आवेली छे। आ गुनानु समग्र नेटवर्क जोवा जोईए तो नेटवर्क ए रीते काम करतु हतु कि अलग अलग खेडूतो पासेथी गायो खरीदी लेवामां आवती हती। आ तमाम गायोने अलग अलग तबेलामां राखवामां आवती हती। त्यारबाद आ गुनाना मुख्य सूत्रधार एवा अंसार गुलाम अने जाकिर अल्लाह रखू एक અતુલના છે અને એક ધુમાડિયાના વતની છે। આ બંને નાઓ દ્વારા ગાયો માટે ગ્રાહક શોધી લેવામાં આવતા જે મુખ્યત્વે ભિવંડી અને અહમદનગર બાજુના શોધવામાં આવતા હતા। જેવું નક્કી થઈ જાય ગ્રાહક ફાઇનલ થઈ જાય એટલે અલગ અલગ તબેલામાં રાખેલી ગાયોને પિકઅપ દ્વારા ફતુ ઉર્ફે ધર્મેશ આહિર જે બારસોલનો વતની છે એના ઘર અથવા ખેતરે ભેગી કરવામાં આવતી હતી અને જ્યાંથી ગાયો ખરીદવાની હોય ત્યાંથી એક ટેમ્પો આવતો એ ટેમ્પોમાં ગાયો ચડાવી દેવામાં આવતી હતી અને આ ટેમ્પો ચાલકને સ્પષ્ટ સૂચના હતી કે રસ્તામાં કોઈ પણ આડશ આવે તો ઊભું નથી રહેવાનું, પોલીસ આવે તો પોલીસની પણ કદર કરવાની નથી અને તમારે ગમે તેમ કરી અને આ ગાયો જે છે ભિવંડી અથવા અહમદનગર પહોંચાડી દેવાની છે। આ સમગ્ર કૌભાંડમાં કુલ 10 આરોપીઓની હાલ અટક કરવામાં આવેલી છે। હાલ આરોપીઓની પૂછપરછ કરતા તેઓ જણાવે છે કે છેલ્લા 10-12 દિવસથી ચાલતું હતું પણ અમને જે ટેકનિકલ એનાલિસિસ કરેલું છે ટેકનિકલ એનાલિસિસ પરથી લાગે છે કે છેલ્લા 1 મહિનાથી આ ગેંગ આપણા વિસ્તારમાં સક્રિય હતી। આ ગેંગના છેડા જોવા જાઓ તો વલસાડ જિલ્લાના બારસોલ, વાંકલ, કાંજણહરી, અતુલ ત્યાંથી જોડાયેલા છે અને મહારાષ્ટ્રના અહમદનગર, ભિવંડી અને ધુલે સાઈડના આરોપીઓ હોવાનું માલુમ થયેલ છે। આ ઘટના બની તાત્કાલિક મોટાભાગના આરોપીઓએ વલસાડ જિલ્લો છોડી દીધેલો। આ જ્યારે ખાટકી લોકો જ્યારે ગાયો લઈ જતા હોય છે ત્યારે એક જનૂનથી લઈ જતા હોય છે અને આ એક ક્રિમિનલ કોન્સ્પિરસી હોય છે કે એ દરમિયાન પકડાવવાનું નથી અને ગાયો પહોંચાડવાની છે, રસ્તામાં ભલે અકસ્માત થઈ જાય તો એ જનૂનથી ચલાવતા હોય છે। બાકી એ દરમિયાન ધરમપુર બ્રિજ નીચે રોકવાનો પ્રયત્ન કરવામાં આવેલો, આસુરા નાકા બ્લોક કરવામાં આવેલું, વલસાડ ધરમપુર ચોકડી બ્લોકિંગ કરવામાં આવેલું, ગુંદલાવ 4 રસ્તા બ્લોકિંગ કરવામાં આવેલું અને અકસ્માત જ્યારે થયું ત્યારે પોલીસની 4 ગાડીઓ એમનાથી 100 મીટરના અંતરે એમનો પીછો કરી રહી હતી। धर्मपुर से कत्ल के लिए ले जा रहे पशुओं से भरे टेम्पो को रोकने के लिए गौरक्षकों और पुलिस ने प्रयास किए थे। इस घटना में टेम्पो चालक ने पकड़े जाने के डर से गौरक्षक हार्दिक को कुचलकर खुद टेम्पो से
कूद गया था, जिसका शव 2 दिन के बाद बामखाड़े से मिलते पुलिस ने आगे की जांच शुरू की है। 17 जून की रात को वलसाड गौ रक्षकों को मिली सूचना के आधार पर धर्मपुर के निर्जन क्षेत्र से गौ वंश को एक टेम्पो में भरकर कतलखाने ले जा रहे होने की सूचना गौ रक्षकों ने पुलिस कंट्रोल रूम को दी थी, जिसके आधार पर वलसाड पुलिस और गौ रक्षकों की टीम ने टेम्पो का पीछा किया और टेम्पो को रोकने की कोशिश की, जिस दौरान टेम्पो चालक ने हार्दिक को उड़ाकर और बाम खाड़ी के ऊपर से कूद गया था। डुंगरी पुलिस को घटना की सूचना देने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल की गई। 19 जून को वलसाड पुलिस की टीम ने गौ तस्करी से जुड़े महाराष्ट्र सहित अन्य क्षेत्र के 10 इसमों को गिरफ्तार किया गया। रविवार दोपहर को बाम खाड़ी में से टेम्पो चालक हाजी अकरम की लाश मिलाई। पुलिस ने जांच पड़ताल कर और लाश को कब्जे में कर आगे की तपास हाथ धरी है। वापी में युवती को भगाकर ले गए आरोपी इमरान अंसारी इंदौर से पकड़ा गया। राज्य में लव जेहाद का कानून पसार होते प्रथम गुनहा दक्षिण गुजरात में वापी पुलिस थाने में हुआ दर्ज। वापी के पास आए एक क्षेत्र की युवती को प्रेम जाल में फंसाकर वापी में रहते इमरान वंशी अंसारी नामक युवक युवती को दिनांक 10 जून 2021 के रोज अपने साथ लेकर भाग गया था, जिसके चलते युवती की मां ने वापी पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई और पुलिस ने तपास हाथ धरी। हालांकि टेक्निकल एनालिसिस आधार पर पुलिस को पता चला कि दोनों MP के इंदौर में हैं। पुलिस ने तुरंत ही अलग अलग टीम बनाकर दोनों को इंदौर से वापी लाया गया, जिसके बाद युवती से पूछताछ के बाद युवती ने बताया कि उसका जबरन धर्म परिवर्तन कर उससे शादी करने के लिए दबाव डालता था और ऐसा नहीं करने पर उसके भाई को जान से मारने की धमकी देता था। साथ ही युवती के साथ शारीरिक संबंध भी बनाए होने का युवती ने बताया। पुलिस ने इमरान वंशी के खिलाफ गुनाह दर्ज कर आगे की तपास हाथ धरी है। वापी टाउन विस्तार में एक गुम जाना जॉब डाकल थे जेमा एक 19 वर्षनी पीड़िता एना मधरे आवीने जाहेरात आपेली के मारी छोकरी गुम छे अने एनी साथे साथे एक एनी सामे रहेतो एक विधर्मी युवक पण गुम हतो। जे संदर्भे एना कुटुंबीजनोए शंका व्यक्त करेली के आ लव जेहादनो मामलो होई शके, जे संदर्भे SP साहेब श्रीनी सूचनाथी विविध टीमो बनावी LCP SOT अने वापी टाउन तपास शुरू करवामां आवेली। बनावनी गंभीरताने लईने एडवोकेट टेक्निकल सर्वेलन्सना आधारे वापी टाउन PI શ્રી સરવૈયા તથા એમની ટીમે એક ઇન્દોર ખાતે એક ટીમ મોકલેલી, જ્યાંથી એ લોકોની ભાળ મળેલી। એમાં ભોગબનના પીડિતા તથા યુવક એને અહીંયા પોલીસ ચાપતા હેઠળ વાપી ખાતે લાવવામાં આવેલા। દરમિયાન પીડિતાની પૂછપરછ કરતાં એને જણાવેલું કે એની સાથે લગ્ન કરી અને ધર્મ પરિવર્તન કરાવવા માટે ઇમરાન અંસારી, જેની સામે રહેતો એક યુવક છે, એ દબાણ કરતો હતો અને જો એવું નહીં કરે તો એના ભાઈને મારી નાખશે એ પ્રમાણની ધમકી આપતો હતો। એ દબાણમાં આવી અને આ જે પીડિતા છે એની સાથે ગયેલી અને અહીંથી એ લોકો ટેક્સી કરી અને અજમેર ગયેલા। અજમેર દરગાહમાં એ લોકો લગ્ન કરવા માટે ના એમને પ્રયત્ન કરેલો પણ ત્યાં સફળતા નહીં મળતા, ત્યાં તાવીજ વગેરે એને બંધાવેલ અને પછી ત્યાંથી ઇન્દોર રહેવા માટે જતા રહેલા। ઇન્દોર એક ચાલીમાં રહેતા હતા, એ સંદર્ભેની આપણને ભાડ મળતા એ લોકોને અત્રે લઈ આવ્યા બાદ યુવતીએ પોતાની હકીકત જણાવેલી કે મને આ રીતે દબાણ કરી અને મારી સાથે લગ્ન કરવા માગતો હતો અને મારી મરજી વિરુદ્ધ એને અસંખ્ય વાર શરીર સંબંધ બાંધેલો છે। જે સંદર્ભે એની ફરિયાદ થઈ અને વાપી ટાઉન પોલીસ સ્ટેશનમાં ગુનો દાખલ કરવામાં આવેલો છે અને ધર્મ સ્વાતંત્ર્ય સુધારા અધિનિયમ 2021 જે અમલમાં આવેલો છે 15 જૂનથી એ સંદર્ભેની કલમ ટાંકી અને ગુનો રજીસ્ટર કરીને એની તપાસ DYSP કક્ષાના અધિકારી કરતા હોય અમે આની તપાસ કરી રહ્યા છીએ અને આ સંદર્ભે ઇમરાન અંસારી જે છે એને અટક કરી અને હાલ એનું કોવિડ ટેસ્ટની પ્રક્રિયા ચાલી રહી છે। આ સંદર્ભે બીજા અન્ય કોઈ આરોપીઓ છે કે કેમ એ સંદર્ભે તપાસ દરમિયાન જો કંઈ ખુલવા પામશે તો એ લોની પણ ધરપકડ કરવામાં આવશે। હાલ તપાસ આ દિશામાં ચાલી રહી છે। આ સાઉથ ગુજરાતમાં આ પ્રથમ લવ જેહાદનો પ્રથમ ધર્મ સ્વાતંત્ર્ય સુધારા અધિનિયમ હેઠળનો ગુનો દાખલ કરવામાં આવેલો છે અને ગુજરાતમાં આ બીજા નંબરનો ગુનો છે।
આરોપીના પણ લગ્ન થઈ ગયેલા ઇમરાન અંસારી ઓલરેડી મેરિડ છે અને મેરિડ હોવા છતાં આ યુવતીને પોતે આમાં લલચાવી ફોસલાવી ધમકી આપી અને એને એની સાથે લઈ આ જે આરોપી છે એ પોતાની મોબાઈલની દુકાન ચલાવે છે એમાં ત્રણેય ભાઈઓ એક જ મોબાઈલની દુકાનમાં પોતાની દુકાન છે એમાં બેસીને પોતે ધંધો કરે છે મૂળ વેસ્ટ બેંગાલના છે પણ વર્ષોથી વાપીમાં સેટલ થયેલા છે સમાચારોમાં વક્ત હો ચલા હૈ એક છોટે સે બ્રેક કા सगीरा को बहला फुसला कर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। नवसारी जिले के चिखली की कक्षा 12वीं में पढ़ती छात्रा के साथ व्हाट्सएप पर दोस्त बनकर खुद बीमार होने का बताकर मिलने के लिए बुलाने के बाद पार्टी के डुंगरी गांव के पास आए घर में ले जाकर दुष्कर्म किया गया था। घटना के बारे में पार्टी पुलिस को सगीरा की माता ने शिकायत दर्ज करवाते पुलिस ने घटना की गंभीरता को देखते हुए तुरंत जांच शुरू कर दी। इस काम के आरोपी अमित कांति बारिया उम्र वर्ष 22 साल निवासी आशीर्वाद बंगलो ओम सोसाइटी गंगेश्वर महादेव मंदिर के पीछे और वार्ड उद्वाड़ा मूल निवासी पंचमहाल को पकड़कर कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आते गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया था। आरोपी के सामने दुष्कर्म पोस्को के अलावा एंट्रोसिटी की कलम के साथ आगे की जाँच DYSP ने शुरू की है। तारीख 16/4/2021 ना रोज एक आरोपी है अमित कुमार कांतिभाई बारिया एने पोतानुं नाम राहुलना नामथी एक आ भोग बनना साथे व्हाट्सएप पर मित्रता केळवेली एक बीजा साथे छेल्ला लगभग 1.5 महीनाथी संपर्क में था अने 16 तारीखे एने राहुलना नामथी फोन करी अने कह्युं के हूँ एम तो बीमार छूँ अने तू मने मळवा आवी जा एम करी अने एने पारडी बोलावी अने भोग बननाने पारडी नजीक एक ब्रिज नीचे बोलावी અને ત્યાર પછી આણે આરોપીએ ભોગબરનાને એવો ફોન કરીને કહ્યું કે ત્યાં ચિરાગ નામે મારો મિત્ર છે એ એમ કે ત્યાં તને લેવા આવશે અને એ મારી પાસે લઈ આવશે
પછી આ ભૂખ બનનાર ત્યાં મળી પારડી નજીક બ્રિજ નીચે, ઊંચી રાખશું એમ કહી અને બાઇક ઉપર ભોગ બનનારને બેસાડી અને એક અવાવરું મકાનમાં લઈ ગયા અને ત્યાં જઈને એને બેસાડી રાખી આરોપીને અને રૂમ બંધ કરી. અને પછી એ પોતે જ એમ કહે છે કે હું જ રાહુલ છું અને એની સાથે બળજબરી કરવા પ્રયત્ન કર્યો, પણ ભોગ બનનારે એને એની તાબે નહીં થતાં એના બે હાથ દુપટ્ટાથી બાંધી અને એની સાથે બળજબરી કરી અને એણે ગુનો આચર્યો છે. અને એ બાદ આરોપી પોતાનો મોબાઈલ અને ભોગ બનનારનો મોબાઈલ લઈ અને ભાગી ગયેલો. શરૂઆતમાં પોક્સો અને અપહરણ દાખલ કરતા સીપીઆઈ શ્રી એસઆર ગામીત સાહેબે તપાસ સંભાળેલી અને પારડી પીએસઆઈ બીએન ગોહિલ અને બંને ખૂબ એક્ટિવ અને ખૂબ જ ધગસથી કામ કરી અને આરોપીને ડિટેન કરી લીધેલો હતો. અને આરોપીનું કોવિડ ટેસ્ટ ને બધું કરાવી અને આરોપી વિરુદ્ધ પૂરતા પુરાવા મળતા અને એમાં આરોપી એ હિન્દુ કોળી હોવાનું ખુલતા આમાં એટ્રોસિટીનો ગુનો બનતો હોય ગઈકાલે એટ્રોસિટીનો ઉમેરો કરી અને આ ગુનાની તપાસ અમે સંભાળે છે. આરોપી પોતાના એક પ્રાઇવેટ કંપનીમાં જોબ કરે છે અને ભોગ બનનાર છે, સ્કૂલે જાઉં છું કે સ્કૂલના કામે જઉં છું કે એવું બહાનું કાઢીને નીકળી ગયેલી. આરોપી મૂળ પાદરડી તાલુકો સહેરા જિલ્લો પંચમહાલનો વતની છે અને અહીંયા પારડીમાં ઉદવાડામાં રહે છે. અને વોટ્સએપ ઉપર સંપર્ક કરી અને આ બનાવ બનેલો છે. વાપી કે ગીતાનગર ક્ષેત્ર મેં અંજાને શખ્સો ને ચાર ગાડીઓ કી તોડફોડ કરતે સમગ્ર મામલા પહોંચા પોલીસ થાને મેં. વાહન માલિકો ને પોલીસ થાને મેં લેખિત મેં શિકાયત દર્જ કરાઈ. वापी में रात के दौरान अनजाने इसमों ने वाहन की तोड़फोड़ की और उन्हें नुकसान पहुंचाया. रात में अनजान इसमों ने घर के बाहर खड़े वाहनों में तोड़फोड़ की. अतीत में कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जिनमें अनजाने इसमों ने वाहन को नुकसान पहुंचाया हो, जबकि फिर से एक बार ऐसी घटना बनते वाहन मालिक ने एक बार फिर घटना के बारे में टान पुलिस मथक में लिखित शिकायत दर्ज कराई और अनजाने इसमों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की मांग की है. दमन गुजरात बॉर्डर पार्टी कल्सर चेकपोस्ट पर बड़ोदास पास सेंटर की चार युवतियों कार में शराब के साथ पकड़ी गई. पार्टी पुलिस कल्सर चेकपोस्ट पर वाहन चेकिंग कर रही थी. उस दौरान दमन से आ रही एक बड़ोदा की कार को रोककर तलाशी लेते कार में देखते पुलिस भी आश्चर्यचकित रह गई थी. वजह, कार में सवार चार युवतियाँ शराब की नशे की हालत में थी. सभी युवतियाँ नागालैंड की थी. कार के अंदर तलाशी लेते 17 विदेशी शराब की बोतलें मिलते पुलिस ने चारों युवतियों के साथ ड्राइवर को अरेस्ट किया था. सभी का कोरोना टेस्ट किया गया था. गिरफ्तार युवतियों के पास से 5,500 की शराब और कार मिलाकर 4,05,000 का मुद्दा माल जब्त किया गया था. युवतियां मूल नागालैंड की निवासी और बड़ौदा की एक स्पा सेंटर में काम कर रहे होने का बताया था. पुलिस ने प्रोहिबिशन का गुना दर्ज कर आगे की जांच शुरू की है. बलसाड सिटी पुलिस ने रसीकरण के बारे में जागृति अभियान शुरू किया. अफवाहों के शिकार हुए 500 से ज्यादा युवाओं ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाया. बलसाड पुलिस विभाग ने थाना क्षेत्र में युवाओं के टीकाकरण को लेकर लोगों में टीकाकरण के प्रति जागृति पैदा करने का अभियान चलाया है. तिथल, हनुमान, भागड़ा, भागड़ावाड़ा और कोसंबा सहित क्षेत्रों में युवाओं के टीकाकरण के बारे में अफवाह और भ्रांतियों को दूर किया गया और टीकाकरण के बारे में युवाओं में जागरूकता पैदा की गई, जिसमें वलसाड सिटी पुलिस ने 500 से अधिक युवकों को पंजीकृत किया है. वलसाड जिले में 100% टीकाकरण अभियान के लक्ष्य के साथ स्वास्थ्य विभाग द्वारा टीकाकरण अभियान चलाया गया. कोरोना वैक्सीन को लेकर फैली अफवाहों के कारण युवाओं के टीकाकरण में कमी आ रही थी. शहरी क्षेत्र में टीकाकरण का चलन बढ़ रहा है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में टीकाकरण कम हो रहा है. रेंज आईजी एवं वलसाड एसपी राजदीप सिंह झाला के निर्देश अनुसार वलसाड सिटी मोरी के मार्गदर्शन में वलसाड सिटी थाना पुलिस ने ग्रामीण क्षेत्रों में युवाओं में टीकाकरण को बढ़ाने तथा जन टीकाकरण के प्रति जागरूकता फैलाने का अभियान चलाया गया. અને તમારા બધાનું વેક્સિનેશન નું રજિસ્ટ્રેશન કરવાના છે. તો આજે હાજી અમારી ટીમ આવશે, અમારા પોલીસ સ્ટાફ આવશે. આલો આવી તમારું પાસે જે તમારા માહિતી આપવાની છે એ બધી માહિતી આપી. 1 તારીખ પછી તમે દરે પણ છૂટા છૂટા ઉપર તમને ઇન્ફોર્મ કરવામાં આવશે.
બિઝનેસ રાખે અને જાણવામાં પણ આવશે પણ વેક્સિન તમને બધાનો ખરેખર કામની વસ્તુ છે કેમ કે વેક્સિન જે આવે છે એમ લાગતા મને જે આપણે પાછળ રિપીટ કરવું પડશે લીલું બધા બાકી છે ને હવે વેક્સિનેશનનું રજીસ્ટ્રેશન કરવા માટે આવ્યા છે તો આજે આવ્યું છું તમારા અહીંયા ખખડીયામાં તમારા સ્ટાફ આવશે અને વેક્સિનેશન માટે રજીસ્ટ્રેશન કરશે ઓનલાઈન બરાબર 21 તારીખ પછી જે 18 થી ઉપરના લોકો છે તમામને ફ્રી ઓફ વેક્સિનેશન પણ કરવામાં આવશે ગવર્મેન્ટ તરફથી હોય છે એટલે વેક્સિન લેવાથી તમારા માટે ફાયદા હોય છે અને તમને કોરોના સ્થિતિ સાથે તો તમને વાંધો નહીં આવશે બધા સુરક્ષિત રહેશો બહુ સારી વસ્તુ છે વેક્સિનેશન કરાવવું ખૂબ જરૂરી છે समाचारों के अंत में आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पे। वापी में भैंसों से भरी हुई ट्रक की टक्कर से एक बुजुर्ग की गई जान। वलसाड जिले के गांव में चल रहे नकली नोट के रैकेट का पुलिस ने किया पर्दाफाश। वलसाड डुंगरी में गौ रक्षक के मौत के मामले में पुलिस ने गौ तस्करों की गैंग का किया पर्दाफाश। तो ये थे दमन न्यूज के अब तक के समाचार नई घटनाओं के साथ हम फिर मिलेंगे। नमस्कार।